क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते रखा है कि एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, तो प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। क्या दे रखा देखिएगा, ये लाइन हमारा क्या यहाँ पे है कि एल और यहाँ पे देखिए एल होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि एल एम और सी बी पैरेलल है, तो ये एल एम है और ये सी बी है, ये आपस में पैरेलल है। दूसरा एल एन पैरेलल सी डी है, तो ये दो लाइनें जब पैरेलल हैं इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइनें पैरेलल हुई तो इनकी साइडों के रेशियो क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे इक्वल होंगे। तो देखिएगा हम क्या ले लेंगे, रीजन दे देंगे वही जो दे रखा, बिकॉज एल एम पैरेलल सी बी, जब एल एम और सी बी पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, सो दैट इनकी साइडों के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ए एम अपॉन ए बी ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कल तो हमने इतना हाफ पार्ट लिया था, ये अपॉन ये लिया था, अब ये पूरा पार्ट क्यों ले रहे हैं। इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे हमें ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है, यानी पहले हमारा हाफ पार्ट फिर ये कंप्लीट पार्ट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या किया, ये हाफ पार्ट लिया और ये इसका पूरा कंप्लीट पार्ट ले लिया, मीन्स ए एम अपॉन ए बी। और इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए ए एल अपॉन ए सी दिखा देंगे इसी तरीके से, तो हमने क्या लिया ए एम अपॉन ए बी और ए एल अपॉन ए सी हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा मैं डायग्राम को थोड़ा सेपरेट करता हूं, ये इतना हमने कर दिया डायग्राम को, और ये यहाँ पे ये ए है और ये एम है और ये एल है, ये बी है और ये सी है, इस तरीके से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। मीन्स हमने हाफ डायग्राम को ले लिया क्योंकि ये एम एल और ये बी सी इसी बार ऊपर वाले पार्ट में आ रही है, मीन्स ये पार्ट फर्स्ट में बिलोंग कर रही है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट की चीजों को राइट करेंगे, ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पार्ट सेकंड को अगर जूम करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए ये ए तो ए ही रह गया और ये इसके पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये सी है और ये डी है, ये एल है और ये एन है। मींस क्या होगा कि ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा और ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये एल एन पैरेलल सी डी दूसरी बार हमें दे रखा है, एल एन पैरेलल सी डी, यहां पे क्या राइट करेंगे, अगेन एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के। तो जब ये पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, इनकी साइडों के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस ए ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए डी हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिएगा यहां पे क्या, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया हमारा, ये ए एल अपॉन ए सी पूरा दिखाना चाहिए था, तो यहां डी बाय मिस्टेक हो गया, देखिए ये ए एल अपॉन पूरा ए सी हो गया, तो ये भी ए एल अपॉन ए सी और ये भी ए एल अपॉन ए सी, यानी जब ए एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए सी आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मींस ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन, सॉरी यहां पे देखिएगा ये और ये इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसका मतलब ये फिर ये यानी ए एन अपॉन ए डी हम इक्वल राइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा थर्ड का कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।